गुड इवनिंग। आज तक फेसबुक और ट्विटर हैंडल के जरिए दोनों जगह एक साथ लाइव। आज पहला दिन खत्म हो चुका है और उम्मीद के मुताबिक श्रीलंका ने पहले ही दिन शायद अपने लिए गड्ढे खोद लिए हैं। श्रीलंका ने रन नहीं बनाए, पहले बैटिंग की, विकेट इतना ख़राब नहीं था। आपने देखा कि पहले दो सेशन में बल्कि गेंद ऐसी थी कि बल्लेबाज वक्त बिताता तो रन बन सकते थे, लेकिन आखिरी सेशन में जो कोलैप्स हुआ, खासतौर से जिस तरह से अश्विन और जडेजा ने गेंदबाजी की, वो बड़ी काबिले तारीफ थी, क्योंकि दोनों का कॉन्फिडेंस नहीं था। दोनों वनडे टीम से बाहर थे और कल भी विराट कोहली ने कहा था कि हालांकि दोनों बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े स्पिनर्स हैं, लेकिन मैं इनकी सिलेक्शन की गारंटी नहीं लेता हूँ। लेकिन शायद आज किस्मत अच्छी थी। आमतौर पर स्पिनर्स को पहले दिन इतनी मदद नहीं मिलती है, लेकिन उन दोनों ने आज पेशेंस के साथ गेंदबाजी की। और कई बार क्या होता है कि जो कॉन्फिडेंस में कमी है वो तब तक रहती है जब तक आप लंबा स्पेल ना डालें। कोलकाता में दोनों को लंबा स्पेल मिला नहीं था, यहाँ पर कप्तान ने दोनों को लंबा स्पेल दिया क्योंकि मजबूरी भारत की ऐसी हो गई कि मोहम्मद शमी को जैसे ही चोट लगी तो तीसरा तेज़ गेंदबाज भारत के पास था नहीं, तो दो तेज़ गेंदबाज खेले, दो स्पिनर्स खेले। इस लिहाज से अगर आप देखें, अश्विन की चार विकेटें, जडेजा की तीन विकेटें और ईशांत की तीन विकेटें, श्रीलंका ने शायद हाथ आया मौका अपने हाथ से जाने दिया। अगर श्रीलंका यहां पर आज शाम को 260 रन बनाकर 6 या 7 विकेटों के नुकसान पर खत्म करता खेल, तो उनके ड्रेसिंग रूम में भी कुछ ना कुछ उम्मीद रहती। लेकिन हुआ यह है कि आप ऑल आउट हो गए, और भले ही आपने भारत के एक सलामी बल्लेबाज को आउट कर दिया, केएल राहुल का विकेट ले लिया, लेकिन 11 रन एक विकेट, मतलब भारत भी शाम को वक्त निकाल रहा था। पुजारा और मुरली विजय वक्त निकाल रहे थे, और आप जानते हैं कि अगर कल सुबह पहले आधे घंटे में श्रीलंका को विकेट नहीं मिलेगी तो उनके लिए बड़ा लंबा दिन होगा। ये विकेट बैटिंग के लिए और बेहतर होगी, कल आज के मुकाबले और बेहतर होगी, और मुझे लगता नहीं है कि इस विकेट पर भारतीय बल्लेबाजों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। हाँ, रंगना हैरत किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, क्या उनका गेंद ग्रिप होगा, क्या उनका गेंद टर्न होगा, क्योंकि बाउंस बहुत ज़्यादा नहीं है इस विकेट पर। तो रंगना हैरत एक ऐसे गेंदबाज रहेंगे जिनको शायद थोड़ा सा थ्रेट हो, लेकिन भारत के बल्लेबाजों को लंबे रन बनाने हैं। मुझे लगता है ट्विटर पर शायद चैट खत्म हो गया है, तो फेसबुक पर ही करते हैं। भारत के लिए अच्छी बात यह रही कि टॉस हारने के बावजूद श्रीलंका ने ज़्यादा फायदा नहीं उठाया, नहीं तो अगर श्रीलंका, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि 350 रन बना देता तो कम से कम उनके पास इस टेस्ट मैच में बने रहने के लिए रन होते। लेकिन लगता नहीं है कि श्रीलंका ने इतने रन बोर्ड पर लगाए हों कि हम ये कहें कि वो इस टेस्ट मैच में वापसी कर सकते हैं। श्रीलंका की वापसी एक ही सूरत में हो सकती है, वो ये है कि भारत अगर कोलैप्स हो जाए, जिसके इम्कान तो नहीं लगते, क्योंकि भारत इस टेस्ट मैच में एक अतिरिक्त बल्लेबाज के साथ खेल रहा है और लाजमी होगा, क्योंकि रोहित शर्मा स्कीम ऑफ थिंग्स में हमेशा थे। ये साफ है कि विराट कोहली उनको साउथ अफ्रीका में 6 नंबर की बैटिंग कराना चाहते हैं शायद, इस लिहाज से बड़ा ज़रूरी है कि आप यहाँ पर 1 या 2 टेस्ट मैचेस उनको देते। हालांकि आज जिस तरह से खबर आई उस हिसाब से तो मजबूरी में शायद उनको टीम में सेलेक्ट किया गया, लेकिन कप्तान के लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। रोहित शर्मा अगर इन 2 मैचों में रन बनाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ साउथ अफ्रीका जाएंगे और वहाँ पर भारत 6 बल्लेबाजों के साथ ही खेलेगा। मुझे लगता नहीं कि वहाँ पर भारत 5 बल्लेबाज और 5 गेंदबाजों के साथ खेलना चाहेगा, तो इस लिहाज से मैं तो बहुत इंटरेस्टेड रहूँगा ये देखने में कि रोहित शर्मा इस मौके का फ़ायदा कैसे उठाते हैं, क्योंकि इस तरह के अटैक के खिलाफ अगर थोड़ा वक्त आप बिता लेते हैं, 15-20-25 मिनट हर बल्लेबाज के लिए दिक्कत होती है, रोहित शर्मा जैसा बल्लेबाज अगर या विराट कोहली जैसा बल्लेबाज इस विकेट पर इन कंडीशंस में इस गेंदबाजी के सामने अगर थोड़ा वक्त निकाल लेंगे तो ये लंबा स्कोर कर सकते हैं और अपने अंदाज में खेल सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अंजिंक्य रहाणे पर भी प्रेशर है, क्योंकि उन्होंने 2 मैचों में रन नहीं पिछली 2 पारियों में बनाए थे। हालांकि उनकी एबिलिटी क्या है हम सब जानते हैं, और एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो शुरू के राहुल द्रविड़ की तरह विदेश में जाकर बेहतर परफॉर्म करते हैं रादर देन इंडिया, तो इस लिहाज से रहाणे का भी फॉर्म में आना बड़ा ज़रूरी है साउथ अफ्रीका से पहले। मुरली विजय बड़े कॉम्पैक्ट दिखे हैं, बहुत ज़्यादा सॉलिड दिखे हैं, और ये उनकी खासियत है। अगर आप मुरली विजय को बैटिंग करते देखें तो बल्ला उनका सीधा हमेशा रहता है, और यही गलती केएल राहुल ने की। फिर केएल राहुल की वही इनकंसिस्टेंसी, या तो वो छोटी स्कोर पर आउट हो जाते हैं या फिर वो 50 और 100 के बीच आउट होते हैं। हालांकि इतने रन बनाना भी अपने आप में अच्छी बात है, उनमें एबिलिटी है, लेकिन उनको सीखना पड़ेगा कि अब क्या करना है। आपके फैन हैं, उन्होंने आपके लिए कमेंट किया है, उन्होंने लिखा है हेमंत हिना नाम उनका,
जी कहा है हम यहाँ कुवैत में भी आपका हर प्रोग्राम टाइम पर नहीं देख सकते, अच्छा बाद में भी देखते हैं। और दूसरा एक कमेंट है कि कोहली फिर से चले गए इस मैच में। थैंक यू वेरी मच, अगर आपने हमारे प्रोग्राम्स की इतनी सराहना की है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये फेसबुक आज तक लाइव के जरिए तो हम जुड़ते ही हैं, ट्विटर के जरिए अभी मैं अपने हैंडल से भी मैंने लाइव चैट किया था विक्रांत गुप्ता 73। साथ ही साथ जो हमारा यूट्यूब का चैनल है स्पोर्ट्स तक, अगर आपने नहीं ही ना उसे सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि दिन में आप देखेंगे कि कई बार हम लाइव होते हैं, कई बार चौपाल लगती है, कई बार एक्सपर्ट के साथ बात होती है, हंसी मजाक भी होता है, क्रिटिसिज्म भी होता है, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। दूसरा आपने पूछा विराट कोहली चलेंगे, अब विराट कोहली तो स्विस घड़ी की तरह है, उनको तो चलना ही है, उनको तो रुकना नहीं है। और देखिए आप पिछले मैच में भी उन्होंने किस तरह से उस मौके को भुनाया। बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो समझ जाता है, शुरू में आकर बैटिंग करे थोड़ी देर और समझ जाए कि अब मुझे 100 बोर्ड पर टांगना है। और विराट कोहली हो ना हो, पिछले मैच में 50-100 हुए हैं उनके, आज कल 51-100 यहाँ पर हो जाए, बहुत बड़े बल्लेबाज हैं। और कितने 100 हैं उनके इस साल में, कैलेंडर ईयर में वनडे और टेस्ट मिला के 900 वो इस साल में बना चुके हैं टेस्ट और वनडे मिला के। और ऑब्वियसली अगर एक और हो जाए, हालांकि दो टेस्ट मैच पड़े हैं, वनडे और T20 तो मुझे लगता नहीं है वो खेलेंगे, तीसरा टेस्ट भी उनका खेलना वैसे डाउटफुल है, तो इस लिहाज से 100 और तो मतलब 10 इंटरनेशनल 100 एक कैलेंडर ईयर में। रन मशीन क्यों गगन, बहुत बड़ी बात है गगन है। और अनिल जो है मेरे सहयोगी, ये फटाफट टाइपिंग कर रहे हैं। अनिल कोई चांस दूर दूर तक श्रीलंका का? श्रीलंका ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, इसके बाद क्या बचता है चांस? मैं तो ये कह रहा हूँ कि श्रीलंका ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, कुल्हाड़ी पैर मार दिया है। अब वो सोच रहे होंगे कि पता नहीं तीसरे दिन भी मैच खत्म हो सकता है, चौथे दिन तक से आगे तो जाने का सवाल ही नहीं है। तो श्रीलंका की लड़ाई अब भारत से इस तरह से है कि भारत कब तक बल्लेबाजी करेगा और उसके बाद कब उनको बुला लेता है दोबारा। भारत अगर उनको दोबारा बल्लेबाजी के लिए बुलाता है तो शायद ही 50 ओवर श्रीलंका की टीम में खेल पाए। गगन अश्विन और जडेजा, अब मेरे पास आना पड़ेगा, माइक मेरे पास है। अश्विन और जडेजा मतलब ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी तो उन दोनों में दिखती थी। आज शायद लंबा स्पेल डालने से भी दोनों का कॉन्फिडेंस और वो विकेट लेने की एबिलिटी वापस दिखी। कोलकाता में जो चीज़ मिस की थी उन्होंने, मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाया था क्योंकि उनको ओवर ही नहीं मिला, उनको कप्तान ने मौका ही नहीं दिया, या इस लायक कंडीशन समझी नहीं कि अश्विन को लाया जाए। लेकिन अश्विन आए और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अश्विन का कॉन्फिडेंस वापस आया, 4 विकेट उन्होंने लिए और मुझे लग रहा है कि सीरीज़ में गेंदबाजी में देखिए सबसे बड़े नायक ओपन के ऊपर 3 विकेट रहेंगे 300 को। हाँ, बस 297 हो गए ना, हो गई है 7 विकेटों। बताइए यार 300 विकेटें होने वाली हैं, 300 टेस्ट विकेट, 4 विकेटें दूर हैं, 4 कदम। कितने भारतीय गेंदबाजों की हैं? अनिल कुंबले, कपिल देव, हरभजन सिंह, जहीर खान, जहीर खान होंगे, ये पांचवें गेंदबाज हो सकता है ना। किसी और की है 300 इन 4 के अलावा? श्रीनाथ की कितनी है? श्रीनाथ की मेरे 272 या 275 है शायद। नहीं नहीं, बड़ी बहुत बड़ी उपलब्धि है और जल्दी ही कामयाबी मिली है उनको, ज्यादा वक्त नहीं लगा है। सबसे तेज होंगे मेरे ख्याल दुनिया में, सबसे तेज है शायद। डेनिस लिली का रिकॉर्ड इन्होंने पहले भी तो तोड़ा था और डेनिस लिली का सबसे तेज 300 का रिकॉर्ड भी टूटने वाला है। तो मुझे तो लगता है कि दूसरी इनिंग बस इनकी गेंदबाजी में आएगी, बल्लेबाजी में तो इंडिया का आने वाला है, आने वाला नहीं है। हालांकि अश्विन के लिए अब थोड़ा सा बदलेगा क्योंकि अब विदेश जाकर क्रिकेट खेलनी है, लेकिन देखते हैं कि इस टेस्ट मैच और अगले टेस्ट मैच में वो क्या फायदा उठाते हैं। हालांकि वो जो हरे घास, हरी पिच, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, वो लगता है घास जो है बकरी जो है सुबह ही चर गई, क्योंकि कल भारत के कप्तान ने भी कहा, सबने कहा बड़ा घास है, बड़ा घास है। वो घास तो है लेकिन वो इस विकेट पर नहीं है, ये एक ऐसा विकेट जो जिसे कहते हैं ना ठुस्सा विकेट है, गेंद नीचे रह रही है, लेकिन घास वो वाला है जो सिर्फ विकेट को बाइंड करके रख सकता है, लेकिन स्पिनर्स का ही रोल इस पर रहेगा। रंगना हैरत पर रहेगी कल नजर कि क्या वो पुराने रंगना हैरत कल नजर आएंगे, और अगर रंगना हैरत भी जादू नहीं बिखेर पाए तो फिर श्रीलंका को राम बचाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।